स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। मामला हमीरपुर के भिम्बार थाना क्षेत्र का है, जहां पर दुकान सामान लेने गई 14 वर्षीय दलित नाबालिग किशोरी को गांव के दुकानदार ने दुकान के अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया और मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़िता के ने अपने साथ हुई ज्यादती की जानकारी परिजनों को दी तो परिजनों ने पुलिस थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर संवाददाता चमन अली की रिपोर्ट। लड़की खुशबू नाम है, वो सामान लेने दुकान गई थी सीपू सेवरे की दुकान पे, और लड़की को अंदर बुला के किवाड़ दरवाज़ा बंद करके उसने जो है गलत किया और वहाँ से मारपीट करके भगाया। हम लोग घर पे थे नहीं, हमीरपुर में था मैं। उसने अपनी मम्मी पापा को बताया जाके और जो है परिवार वालों को बताया। इसके बाद हम उसके घर गए, उसके पिताजी से कहा था राम उतार सिवरे से, तो उसने लाठी डंडा से धमकाया। हम लोग गरीब आदमी हम डर गए, फिर हम सीधे थाने पहुंचे बीमार थाने, तो वहां जो है पुलिस गई उसको पकड़ के लाई आरोपी को। इसके बाद पकड़ के लेके हम वहां रात में रुके रहे। उसके बाद हमारी FIR लिखी गई और सीधे तो हमने माचिस कह रहे थे कि वहाँ से माचिस भोंका दो, हमने भोंका दिया तो उसने हमारा मुंह दाब लिया, हाथ पर कमार लगा दिया है। हाथ पर कह रहा था कि आप किसी को बताओगे तो हम तुम्हारे पापा जान को मार देंगे मम्मी जान। तो हम कान के हम भागे थे, फिर अपने कपड़े वपड़े उतार रहा तो हम भागे थे, फिर जल्दी से वहाँ से तो मम्मी थी, मम्मी आई थी तो मम्मी को बताया। शाम 5 बजे 14 साल की एक अनुसूचित जात की लड़की आई थी दुकान पर माचिस लेने। दुकान पर उसने कहा माचिस निकाल लो, उसी दौरान उसने दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की ने अपनी माँ को बताया जाके, तो उसका पिता आ गया, उसकी माँ ने पिता को बताया, फिर सब लोगों ने थाने पर जाके मुकदमा लिखाया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, धारा 376 ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट का। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है। लड़की ने बयान दिया है जो उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई कुछ मीडिया वालों ने नशीला पदार्थ खिलाकर लगाया, अपने मनगढ़ंत बात बताई है, ऐसी कोई बात नहीं है।